अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं YouTube पर द किरण नाज शो। शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ लाए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है आपसे छोटी सी कि जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि बर वक्त आप तक वीडियोस एंड अपडेट्स पहुँचती रहें। सारी एक्साइटमेंट, सारी खुशी, सारा जोश, सारा वलवला, सब कुछ हवा हो गया है। जो मैच देखा, जो परफॉर्मेंस देखी पाकिस्तान की इंडिया के मुकाबले में, तो उसने बड़ी तकलीफ पहुँचाई है। और जो एक प्रेशर था, एक मोमेंटम था कि टीम पाकिस्तान जब मैदान में उतरेगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, शायद इंडियन बैट्समैन या इंडियन टीम को हम इतना हल्का ले रहे थे कि वो बस आएंगे और जाएंगे, उनकी आनियां जानियां लगी हुई होंगी और पता नहीं क्या मैच का पासा पलट जाएगा। लेकिन आज हुआ जो कुछ, उसने तो न सिर्फ दिल दहलाया बल्कि तकलीफ पहुँचाई, न सिर्फ तकलीफ पहुँचाई बल्कि शॉकिंग था जो कुछ डिसीजंस लिए जा रहे थे, जिस तरह से मैच परफॉर्म किया जा रहा था वो सब कुछ शॉकिंग था। हर चीज़ ही आज के मैच में शॉकिंग थी। या फिर टीम पाकिस्तान, बाबर आजम इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए, शायद नेशन की तरफ से, शायद कौम की तरफ से उनके ऊपर इतना ज़्यादा उनको पूरा एतमाद कर दिया गया, उनको ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया गया कि जिसकी वजह से जो कुछ हमने देखा मैच में उस पर ज़रा बात करते हुए भी जो है ना तकलीफ होती है। और ऐसी सिचुएशन में कि जब एक दिन पहले आपका अपना जो बात कर रहा है, यानी कि मैं अगर अपनी बात कर रही हूँ, अगर मेरा मोराल यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि जी टीम पाकिस्तान ऑब्वियसली इतनी फॉर्म में जो टीम हो, जो थ्रू आउट कंसेक्यूटिव मैचेस जीतती हुई आ रही हो, जो वनडे की बेस्ट टीम हो, जो नंबर वन टीम हो, तो उसके लिए आपकी ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं, होनी चाहिए। लेकिन फिर उस टीम का भी काम बनता है कि वो टीम में और वो ऐसे प्रेशर वाले मैचेस में परफॉर्म भी उसी तरह से करें जैसा उनके उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है टीम का, जैसा उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है पूरी आवाम का। तो यहाँ पर आज के मैच में तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दी चीज़ें हुई, बहुत ही ऐसे ऐसे डिसीजंस हुए कि जो एक्सपेक्ट नहीं किए जा रहे थे। मतलब आम इंसान, मेरे जैसा आम इंसान शायद, जिसको इतनी अलिफ बे ना पता हो मैचेस के बारे में, उनके लिए भी बड़ा हैरानी की बात थी, उनके लिए भी बड़ी तकलीफ दे बात थी कि बाबर आजम एक दिन पहले मैच में, पिछले मैच की बात करते हुए कहते हैं कि अगर मैं टॉस जीतता तो टॉस जीतकर ऑब्वियसली बैटिंग का फैसला करता, लेकिन आज के मैच में जो पहला डिसीजन हुआ वो सबके लिए बड़ा शॉकिंग था कि बाबर आते हैं, टॉस जीतते हैं और फिर फील्डिंग का फैसला करते हैं। ऐसी सिचुएशन में कि जब आपको पता हो कि बारिश होने वाली है और बारिश में आपका बॉल जो है वो भारी होगा, आप के लिए प्रॉब्लम होगा, आपका बॉल इस तरह से स्विंग नहीं करेगा, आप विकेट्स नहीं ले सकेंगे, आपको सामने वाले को आप ये मार्जिन देंगे कि वो क्रीज पर खड़ा हो, वो अपने कदम जमा ले, वो सिंगल डबल कर करके या बड़े शॉट्स खेल के, या वो निकल के बाहर निकल के खेले, बड़े शॉट्स खेले और वो इसको बड़ा स्कोर एक माफ़ कीजिएगा जमा कर सके। लेकिन बाबर ने पहला ये डिसीजन ले लिया, पहले बाबर ने ये डिसाइड कर लिया कि उन्होंने टॉस जीत लिया है, टॉस जीत के वो फील्डिंग का फैसला कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो ये डिसीजन गलत हुआ। उसके बाद जब फील्डिंग का आगाज होता है और मैच शुरू होता है, मैच शुरू होने पर जिस तरह से कैचेस ड्रॉप होते हैं, हमारा सबसे बड़ा मसला ये कैचेस ड्रॉप होने का है, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। हमारे समझ नहीं आता, हमारे जो इतने बेहतरीन किस्म के प्लेयर्स हैं, लंबे लंबे प्लेयर्स हैं जी, ज़बरदस्त खेलने वाले प्लेयर्स हैं, बॉल पकड़ते हुए उनके हाथों में क्या हो जाता है, क्या मसाइल हो जाते हैं, कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जो उनसे नहीं हो पा रही होती। जब आप हर चीज़ में इतना बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं तो फील्डिंग को बेहतर करने में क्या प्रॉब्लम है। और ऐसी टीम जो जिसके बारे में वो खुद कह रहे हैं कि जी आज हम प्रेशर में हैं, आज हम टीम पाकिस्तान से डरे हुए हैं, तो उनका डर आपने अपने ऊपर ले लिया, उनको आपने इतना रिलैक्स कर दिया, बाकायदा कुछ करूँ मेरा बच्चा परेशान नहीं हो, मैं हूं ना आपको खेलने का मौका देने के लिए, आपने तो बाकायदा टीम पाकिस्तान ने वो काम किया है। अब हुआ ये, लास्ट टाइम वाले मैच में मैंने कहा था कि इंडिया में ना दुआएं हो रही होंगी कि या अल्लाह बारिश हो जाए, ड्रॉ हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्म में थी टीम पाकिस्तान पिछले मैच में, जो पूल मैच था। लेकिन मैच में अल्लाह की कसम टीम पाकिस्तान के अंदर जो है ना, बल्कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बैठे हैं, उनकी तरफ से दुआ की जा रही होगी कि कोई अल्लाह ताला इस तरह का मौजज़ा कर दे। अब बारिश की वजह से ये मैच बढ़ तो गया आगे, लेकिन अब जो अगले दिन का मैच आ गया वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि टीम, सामने वाली टीम भी अब वो ऐसा डिफेंसिव खेल रही है कि वो डिफेंसिव होते हुए अटैकिंग खेल रही है। बाहर निकल के उन्होंने शॉट्स खेले और वो 24 ओवर्स में उन्होंने 147 का स्कोर खड़ा कर दिया। सोचें अगर ये 50 ओवर्स का कंप्लीट मैच रहता तो ये कहां से कहां स्कोर लेकर चले जाते, और फिर टीम को चेस करने में, पाकिस्तान को चेस करने में कितने मसाइल होते। आप सिर्फ इस बुनियाद पर कि जी हमारी बॉलिंग अटैक, ओहो हो वाह 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 वा, मज़ेदार, ज़बरदस्त,
हमारे पास तो शाहीन है, हमारे पास तो हारिस है, हमारे पास तो नसीम है, तो हम तो बड़े आराम से सारी टीम को फारिग कर देंगे। तो क्या फारिग किया आपने, 24 इस ओवर का मैच आपका हो गया, 147 रन का स्कोर खड़ा कर दिया आपने। अब आपने दोबारा मैच खेलना है, यहीं से मैच का आगाज होना है, और फिर उसके बाद खुदा ना खास्ता स्कोर कहां तक जाता है, और फिर ये स्कोर आगे जाता है क्योंकि फिर जब दोबारा ये मैच शुरू होना है, फ्रेश आपको पिच मिल जाएगी, बारिश उस वक्त है नहीं है, अगर आपको ड्राई पिच मिल जाती है तो फिर तो ये उनके हक में मैच चला जाएगा, और अब पाकिस्तान को बहुत ज्यादा डिफेंसिव खेलना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये है कि एक ऐसी टीम जो कि जबरदस्त खेल रही है, अटैकिंग खेल रही है, पूरी थ्रू आउट टूर्नामेंट में भी जबरदस्त चल रही है, उससे पहले के जो मैचेस हो रहे हैं उसमें भी जबरदस्त खेलते हुए आ रही है, वो आके एक मैच में और ऐसे प्रेशर वाले मैच में कि जिसपे आपको सारी दुनिया की नजर लगी हुई होती है, सारी दुनिया की वो वाली नजर नहीं जो आज लग गई है बाकायदा हमारी टीम को, वैसे नजरें लगी हुई होती है कि ये मैच कैसा होने जा रहा है, खेल कैसा होने जा रहा है, उस मैच में आकर आप अटैकिंग से डिफेंसिव की तरफ आ गए, आप इतने डाउन हो गए, आपके आपकी गेम की टेक्निक समझ नहीं आ रही, आपके गेम का ये समझ नहीं आ रहा है कि आपने क्या सोचा है, किस स्ट्रैटेजी के साथ आप मैदान के अंदर उतरे हैं, तो ये ना समझ आने वाली, ये हर इंसान के लिए ना समझ आने वाली चीज़ है। कल मैं अपने व्लॉग में ये बात कर रही थी कि हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तानी आवाम है उनके अंदर इतना पेशेंस है, हम इतने ज़्यादा टॉलरेंस का मुजाहरा करते हैं कि अगर हमारी टीम नहीं परफॉर्म कर पाती उस तरह जिस तरह हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास ये सब कुछ नहीं होता जो कुछ इंडिया में होता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो इतना तो टेस्ट ना लें। जो कौम आपसे इतनी मोहब्बत करती है, जो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि आप ज़बरदस्त मैच खेलेंगे, आप स्ट्रैटेजी अच्छी रखेंगे, अगर आप हारते भी हैं तब भी आप एटलीस्ट गेम को इतने अच्छे से प्लान करेंगे कि बुरा नहीं लगेगा कि अगर हार भी जाते हैं तो ठीक है, हमने तो आगाज़ इतना अच्छा किया था, हमने गेम इतना अच्छा परफॉर्म किया था, चले ठीक है जीत हार हो जाती है, लेकिन हम तो यहाँ पर शुरू से ही ऐसा लग रहा है कि बाकायदा प्लेट में रख के जो है ना उनको दिया जा रहा है कि ये लेकिन मैच आपके लिए, दुआ है कि जो अब मैच होने जा रहा है, जो बकिया मैच होने जा रहा है, अल्लाह ताला कोई मौजजा कर दे और टीम पाकिस्तान अपने उस फॉर्म में आ जाए जो इस मैच से, इस आधे मैच से पहले जिस तरह की फॉर्म थी टीम पाकिस्तान की, वरना जो कुछ अभी हो गया है उसने तो बड़ा बड़ा परेशान कर दिया। और आई एम श्योर कि जितने लोग सुन रहे होंगे उन सबकी यही इसी तरह की सिचुएशन होगी। आज मेरी बहुत सारे एक्सपर्ट से बात हुई, क्रिकेट एक्सपर्ट से कुछ से मैंने बात की, कुछ वो मैंने सुना, ये मेरा रद्द अमल नहीं है सिर्फ, ये जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, मैंने आपको कहा ना कि मैं शायद मैं गेम की अलिफ बे भी ना जानती हूँ इतना, लेकिन जो एक्सपर्ट्स के बारे में मैंने उनकी बातें सुनी हैं वो हैरान हैं, वो परेशान हैं कि बाबर ने ये क्या डिसीजन लिया है, पहला डिसीजन बाबर ने ये क्या लिया है, कैसे लिया, किस क्या सोच के बाबर ने ये डिसीजन लिया है, वो क्या फैक्टर ऐसा देख रहे थे कि जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि जी पहले हम बॉलिंग करेंगे और उसके बाद हम चेस कर लेंगे। ठीक है हमारा बॉलिंग अटैक बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन कोई सिचुएशन भी होती है ना, सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। क्या बाबर ने यही सोचा है कि जी ठीक है टीम इंडिया जब आएगी तो हमारे बॉलर्स वो रन्स इतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ग्राउंड के अंदर के शॉट्स होते हैं जब बारिश हो जाती है, बॉल भारी हो जाता है, बॉल गीला हो जाता है, तो वो आपके जो चौके हो रहे होते हैं वो नहीं पड़ रहे होते, लेकिन फिर हमने आज देखा कि वो 24 ओवर्स में 147 का स्कोर चला गया। जो इम्पॉर्टेंट बात मैं जिसे कह रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जिस तरह से जितने भी मैचेस हम जीते हैं तो उसमें किसी भी टीम का क्रेडिट हो, टीम के किसी भी प्लेयर का क्रेडिट हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जी हम झंडा किसका बुलंद करते हैं, बाबर का, वाह 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 तालियां जी बाबर, ज़बरदस्त काम किया आपने, ज़बरदस्त बाबर, आपकी स्ट्रैटेजी की वजह से टीम पाकिस्तान ODI की नंबर 1 बन गई, आपकी स्ट्रैटेजी की वजह से ये देखें आपने रन्स का पहाड़ खड़ा किया, आप नॉट आउट रहे, आपने जो है वो सेंचुरी स्कोर की जिसकी वजह से आज जो है वो टीम पाकिस्तान एक और मैच जीत गई। तो फिर जब हम जीत का सारा क्रेडिट जो है वो बाबर के कंधे पर डाल देते हैं ना, तो फिर आज सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी की सारी जिम्मेदारी भी बाबर के कंधों पर होनी चाहिए। जो कुछ उनकी तरफ से किया गया, मैं कुछ एक्सपर्ट से जब बात कर रही थी मैंने उनसे पूछा कि ये बाबर ने क्या डिसीजन लिया है, तो वो इस बात पर हैरान थे, लेकिन वो कह रहे थे कि ये अकेले बाबर का डिसीजन नहीं है, ये सारी मैनेजमेंट का डिसीजन होता है, जो लाइनअप्स देख रहे होते हैं, चीज़ें देख रहे होते हैं, उन सब का, सारे प्लेयर्स का ये एक मिक्स डिसीजन होता है, उसके बाद जो है वो कैप्टन डिसाइड करता है कि जी ठीक है हमने बॉलिंग पहले करनी है या हमने बैटिंग पहले करनी है।
तो भाई जब ये सबका डिसीजन होता है और गेम सबका डिसीजन होता है तो फिर कैप्टन को तो किसी भी किस्म का क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जब हम जीत पे सारा क्रेडिट कैप्टन को देते हैं, भले से उसमें नसीम ने परफॉर्म किया हो, भले से उसमें इफ्तिखार ने परफॉर्म किया हो, भले से उसमें जो है वो हारिस रऊफ का किरदार रहा हो, भले से उसमें रिजवान ने काम की दिखाया हो अपना, भले से नसीम ने मैच खूबसूरती के साथ फिनिश किया, लेकिन सारा क्रेडिट जाता है जी बाबर आजम की झोली में। तो फिर आज भी जो ये नाकिस हिकमत अमली रही है, जो ये बदतरीन परफॉर्मेंस रही है, इसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर आजम के कंधों पर होनी चाहिए। अब दुआ करते हैं अल्लाह से और उम्मीद रखते हैं कि एक बार फिर, और ये टीम पाकिस्तान की आदत है, ये आप जितने भी मैचेस उठा के देखें ना, जहाँ जहाँ ये नेल बाइटिंग मैच रहे हैं, जहाँ जहाँ ये सनसनी खेजी रही है, जिन मैचेस के ऊपर प्रेशर ज़्यादा रहा है, और जब जब ये सोचा गया है कि टीम पाकिस्तान के लिए कोई प्रेशर नहीं है, टीम पाकिस्तान यूँ ही निकाल देगी मैच, उन्होंने जो है ना हलक से जाने निकाली है हमेशा। इस मैच में भी उन्होंने यही किया है। अल्लाह से दुआ है कि अब जब दोबारा हम ग्राउंड में उतर रहे हैं, अल्लाह करे कि कोई मौजज़ा हो जाए और टीम पाकिस्तान उस सिचुएशन में खेले जिस सिचुएशन में ये थ्रू आउट खेलती हुई आ रही है। ये जो प्रेशर वाला सिलसिला है ना, इसको ज़रा सामने वाली टीम को दें, अपने ऊपर ना रखें। कुछ छोटी छोटी फील्डिंग के मसाइल और दीगर मसाइल थे जिस पर हम मुसलसल बात कर रहे थे, एक्सपर्ट्स बात कर रहे थे इनफैक्ट, कि उस पर टीम पाकिस्तान को काम करने की ज़रूरत है, लेकिन शायद होमवर्क नहीं किया गया। अच्छा, इसमें एक फैक्टर और भी है कि आप ये देखें कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो टीम पाकिस्तान है वो फुल फॉर्म में, भरपूर ज़बरदस्त हमारे जो बॉलर्स हैं स्पेशली, वो इंटरनेशनली वर्ल्ड क्लास ज़बरदस्त किस्म के बॉलर्स, लेकिन जिस तरह की कमेंट्री हो रही है कमेंट्री बॉक्स से, जिस तरह से इंडियन प्लेयर्स की जानेब से कहा जाता है, वो हमें तो डर लग रहा है, हम उनके साथ क्योंकि मैचेस खेलते नहीं हैं, इंटरनेशनल मैचेस में ही आमना सामना होता है, इसके अलावा हम आमने सामने नहीं होते, तो हम उनको बहुत ज़्यादा खेलते नहीं हैं, इसलिए हमें उनकी टेक्निक्स का पता नहीं है। लेकिन मैच में ऐसा लग रहा था कि वो होमवर्क करके आए हुए हैं और हमने उनके प्रेशर को ऐसा सुकून मिला कि अरे वो डरे हुए भाई, कुछ नहीं होता, कल जब आएंगे ना देख लेंगे उनको, सही से हमने वस्तीने चढ़ा के और रात को हम सो गए सकून से, सो सुला के, और जब मैदान में उतरे हैं तो उन्होंने छक्के छुड़ा दिए हैं हमारे। एनीवे जी, वंस अगेन टीम पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं अल्लाह से, उम्मीद करते हैं कि जो मैच है वो पाकिस्तान के नाम रहे। अपना ख्याल रखिए, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, अल्लाह के नाम।